स्पीकर के लिए तय किए जाने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। जिनसे बात की जी मीडिया संवाददाता मनोहर विश्नोई ने। कोटा बूंदी से दूसरी बार सांसद बने ओम बिरला देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच चुके हैं और आज उनके लिए सबसे बड़ा दिन है। वो लोकसभा स्पीकर के लिए नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और कल चुनाव है। उनके परिवार वाले हमारे साथ में मौजूद है, उनकी मिसेज डॉक्टर अमिताभ हमारे साथ में। अमिता जी, आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है और जब ये खबर सुनी कि आप स्पीकर बनने जा रहे हैं ओम बिरला जी, तो कैसा महसूस? जब एक्चुअली आज सवेरे ही ये सब कुछ घटना घटी तो एक बहुत खूबसूरत हमारे लिए घटना है और एक ऐसा क्षण है जो हमेशा यादगार रहेगा। और उस वक्त जैसे ओम जी ने मुझे पता लगा कि आज उनको नॉमिनेशन भरना है स्पीकर के लिए, तो हमारे लिए वी वर टोटली एस्टोनिश्ड, जैसे स्तब्ध हो जाते हैं इस तरह होके। और उसको फिर फीलिंग्स अलग तरह की फीलिंग्स थी, खुशी। उनकी बेटी हमारे साथ में है, आप अपने पापा को जो लोकसभा स्पीकर बनते हुए देख रहे हैं, कैसा? बहुत ही गर्व वाली बात है और हमने कभी सोचा नहीं था, इसलिए और बहुत अनएक्सपेक्टेडली गर्व वाली बात है। पर ये बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली हाई पोस्ट है और बहुत डिग्निफाइड पोस्ट है एंड डेफिनेटली पापा इसके लिए डिजर्व है एंड वो अपनी पूरा रोल निभाएंगे। ये जो खबर सुनी इसके बाद में आपको कैसा फील हुआ? कब भी आपको पता चला? ये हमें भी सुबह ही पता चला और इसके बाद हम पहले तो बहुत ही बिलीव ही नहीं हुआ, 10 बार पूछा सच्ची में, और फिर उसके बाद हम सब मंदिर गए और फिर तब से बस सेलिब्रेटरी मोड में ही है। दूसरी बेटी उनका हमारे साथ में है, आपको जब ये खबर पता चली तो कैसा महसूस हुआ और कब पता चली और किसने बताया? हमें सुबह मम्मी ने ये बात बताई तो हम सब बहुत ही सरप्राइज हो गए कि ये इतनी बड़ी बात है। फिर हम सब बहुत ही ज्यादा एक खुशी की लहर भी थी, डिलाइटेड भी थे और साथ ही साथ एकदम से स्टन्ड भी थे कि इतनी बड़ी बात हो गई है। तो हम सब भगवान के लिए मंदिर में गए, भगवान की पूजा के लिए। फैमिली के कुछ मेंबर और हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सुबह से यहाँ जश्न का माहौल है और आप डॉक्टर मैडम के साथ में हैं, तो कैसा आप उनके साथ में रहकर महसूस कर रही है कि इतनी पांचवी बड़ी पोस्ट देश की जो है उनको मिलने जा रही है? मैं ओम जी बिरला जी की छोटी साली हूँ और जब हम सोके सुबह मॉर्निंग में उठे तो हमें दीदी ने बताया कि ऐसे एक बहुत मतलब हमें मंदिर चलना है और ऐसे स्पीकर का बन रहा है, तो हम लोग तो शॉक्ड हो गए। लेकिन हम फिर नहाए और फिर मंदिर हम लोग गए और फिर आके हम लोगों ने मतलब सेलिब्रेशन, सब हमारे गेस्ट के फोन आने लगे, फ्रेंड्स के फोन आने लगे कि सब लोग पहुंच रहे हैं, सब मिलकर हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे और सब बहुत खुश हैं। हम लोग सब बहनें पहुंच ही रही हैं और एक बहन हमारी बड़ौदा से भी आ गई है, तो हम लोग सभी मिलकर बहुत खुशी से इस फंक्शन को एंजॉय करेंगे। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि उनमें बड़ी क्षमता है और धैर्यवान है और जो राजनीतिक समझ जो उनकी है वो इस पोस्ट के लिए उनको काबिल बनाती है और आगे उम्मीद करते हैं कि वो इस पोस्ट को सही और शिद्दत से निभाएंगे ईमानदारी के साथ। सहयोगी सदाशिव के साथ मनोहर विश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली।